नहीं जाऊंगा मैं, और मैं सबके सामने सबको बता दूंगा मैं और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर मैं देख लूंगा ये रिश्ता कैसे नहीं खत्म होता है। अपनी आवाज ऊंची बात करना समझे? तो इसलिए आए हो तुम यहाँ मेरी इज्जत का तमाशा बनाने, मुझे बदनाम करने, ये था तुम्हारा मकसद? दादी मैंने उसको नहीं बुलाया, वो खुद आया रात को। अच्छा, इन्होंने नहीं बुलाया था? अरे बीबी, ऐसे ही कोई किसी के पीछे घर तक नहीं चला आता, तुम ही ने शह दी होगी जब ही वो आया यहाँ पे ख्वार होता तुम्हारे पीछे। सलामुअलैकुम माँ। So, how was the dinner? अच्छा था, it was nice. हाँ लेकिन एक बात हुई माँ, and I'm sure आप भी सुन के शॉक होंगे। माँ आयजा व्हाट्सएप पे नहीं है। Can you believe this? Somebody from Gen Z is not using a smartphone. सिर्फ इसलिए कि उसके अब्बू को पसंद नहीं है। कोई इतना बैकवर्ड कैसे हो सकता है? Really? Quite strange. समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बाबा ने कहीं आसारे कदीमा से तो नहीं ढूंढी है ये फैमिली। जो भी हो, I like Aiza. माँ, I think उसमें वो स्पार्क है कि हमारा लाइफस्टाइल अडैप्ट कर। अनलाइक हर सिस्टर जो कि अजीब बातें करती है, पता नहीं क्या चीज है। हाँ लेकिन अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। और महा आप कभी कोई पॉजिटिव बात नहीं करते और स्माइल भी नहीं करते, तो थोड़ी सी और गुड। खैर आप ये देखो, अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने, ये प्रोजेक्ट भी गले की हड्डी बन गया था। चलो बहुत अच्छा हो गया, ओके बाय। जरा दानिश को बुलाओ। जी अच्छा। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं? बात ये ऐसी है बेगम, एक प्रोजेक्ट बहुत अरसे से फंसा हुआ था, अल्लाह का शुक्र है कि वो फाइनल हो गया। जी बाबा आपने बुलाया। वो मैनेजर से बात हुई तुम्हारी? जी आई नो, ईमेल आ गई थी, प्रोजेक्ट मिल गया। मुझे लगता है ये सब कुछ तुम्हारी होने वाली बीवी की वजह से है। कहते हैं कि आने वाली बहू घर में खुशकिस्मती और रिस्क साथ लेके आती है। बाबा यू रियली बिलीव इन ऑल दिस, अमेजिंग। सीरियसली अक्रम, आप कभी कभी बहुत ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं। भाई मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, वरना मैं तो इस प्रोजेक्ट पे कब की फातिहा पढ़ चुका था। व्हाटएवर, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? माँ दोस्तों के साथ प्लान, लेट आऊंगा मैं, बाय। ओके बाय। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कोई काम था? क्या मैं किसी काम के बगैर कॉल नहीं कर सकता? नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही। एक्चुअली डैड का मानना है कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लकी चार्म से बात कर ली जाए। अंदर जाके सुन लेना। अरे मैं तो किसी काम से आई थी, बातें थोड़ी सुन रही हूँ। काम से आई थी, दरवाजे से क्यों चुपकी हुई है फिर? दानिश मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके एक मिनट, एक यही खड़ी रहे, अभी तो आप कहाँ जा रही हैं?
क्या हो रहा है यहाँ? अब ये आपकी जो पुप्पू है ना, तौबा है, कितना बोलती है ये, न जाने किस काम से आई थी मैं, इसने बोल बोल के काम ही भुला दिया, जहन से ही निकल गया। तौबा तौबा तौबा, कितना झूठ बोल रही है यार पुप्पू आप। आपकी बातें सुन रही थी खड़े होकर। अच्छा ठीक है, सुन रही थी, कर लो जो करना है। इसकी हरकतें ही ऐसी है कि इस पर नजर रखनी पड़ेगी। भाई साहब की तरह आप आंखें बंद करके तो बैठ नहीं सकते हम। अब न जाने कौन सा नया गुल खिलाएगी। हट चमची कहीं की। क्या कर रही हो? अभी हमारा सारा सरप्राइज खराब हो जाता। क्या बकवास है ये, क्या हो रहा है? अच्छा है ना, आयजा आप भी खुश हो जाएंगी, इतने अच्छे हम लोग ब्राइड शावर करेंगे उनका। तुम लोग पागल तो नहीं हो? आयजा बाजी वैसे ही इस रिश्ते की वजह से खुश नहीं है। तुम लोग उनके जख्मों पर और नमक छिड़क रहे हो। तो मतलब वो इन सबसे खुश नहीं होंगी? नहीं, वो तो खुशी से नाचने लगेंगी। अनम, तुम लोगों ने जो केक ऑर्डर किया है वो आ गया। वाओ, तुम लोग तो बहुत अच्छा डेकोरेट कर रहे हो, लेकिन अब बस जल्दी जल्दी वाइंड अप करो, मैं आयजा को ज्यादा देर रूम से बाहर नहीं रख सकती। क्या हो गया, तुम लोग क्यों काम शाम छोड़ के बैठ गए हो? हाँ, इससे पूछे। अब क्या कर दिया तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इंसान का जब दिल उदास हो तो ये ऊपर की चमक दमक अच्छी नहीं लगती। इन सब की ये मेहनत बेकार है, आयजा बाजी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ये तुम डिसाइड करने वाली कौन होती हो? आयजा बहुत खुश है। बस कर दे बाजी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे, और उनकी उदासी भी मैं अच्छे तरीके से देख सकती हूँ। पता नहीं आप लोगों को कुछ नजर नहीं आता। मुझे सब नजर आता है, लेकिन तुम्हारी उम्र ये नहीं है कि अभी तुम इन बातों की नजाकतों को समझ सको। आयजा बहुत सोच समझ कर ये फैसला कर रही है। हाँ, ये फैसला उसके लिए मुश्किल जरूर है, लेकिन गलत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप को दुख देकर कोई औलाद कभी सुखी नहीं रह सकती, और बहन होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम उसकी इस मुश्किल में मदद करो, ना कि ऐसी बातें करके उसकी जिंदगी को और मुश्किल बनाओ। समझी तुम? कम ऑन गर्ल्स, गेट बैक टू वर्क। मुझसे नहीं फूलेगा, तुम फुलाओ, कोई और काम दे दो मुझे, छोटा मोटा कर लूंगी। आयजा, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ छुपी बैठी हो। कोई काम था? हाँ ना, वो टेलर से तुम्हारे कपड़े सिल के आ गए, चल के ट्राई करो। कर लूंगी। जब एक फैसला कर ही लिया तो फिर ढंग से निभाना भी सीखो। तुम्हारे इस रवैये से दादी और पप्पू को और बातें बनाने का मौका मिलेगा, और फिर तुम्हारी छोटी बहनों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा ये सोचा था। सबको ये लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, मजबूरन राजी हो। दिल को राजी करने में वक्त तो लगता है ना फिजा। मुझे एक बात बताओ आयजा, कब से जानती हो इस लड़के को? मेरी तरफ देखो आयजा, क्या चंद सालों की जान पहचान इतनी गहरी हो जाती है कि बाप और बेटी के रिश्ते पर हावी हो जाए?
क्या एक गैर शख्स के लिए तुम अपने बाप की सालों की मेहनत पर पानी फेर सकती हो? तो फिर क्यों कर रही हो ये सब? तुम्हें नहीं लगता कि अब वो ये सब कुछ नोट कर रहे होंगे? उन्हें भी महसूस होगा कि तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। क्या तुम अब्बू को इस गिल्ट में मुब्तला करना चाहती हो? तो फिर चलो उठो, शाबाश, हालात का सामना करना सीखो। जिंदगी बहुत लंबी है ऐसा, ऐसे छोटे बड़े हादसात होते रहेंगे। अकलमंदी इसी में कि इंसान सीने में दर्द दबाकर जीना सीखे, वरना जीते जी मर जाता। चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे दो नैनों में तारे, चेहरे पे नूर बसा बसे रंग सारे। घर का आंगन मेरा खुशियों से भरा है, खिलती गाती हुई देखो फिजा है, है रख के तुझको सुनाना। आयजा रुको, आयजा रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो? एक बार उनकी बात तो सुन ले। आयजा, आयजा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। देखो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम्हें शादी नहीं करो, जोर जबरदस्ती के रिश्ते खुशियाँ नहीं देखते। किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की है मेरे साथ, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती? नहीं नहीं, ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें जो मानना है मानो, मेरा पीछा करना बंद करो।
नहीं नहीं आयशा, आयशा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। मर जाओ फिर साथ, मेरा पीछा करना छोड़ो। भाई साहब चलें। शादी की भाग दौड़ में वक्त का पता ही नहीं चला। अब तो अचानक एहसास हुआ कि तुम्हारे तो जाने के लम्हात करीब आ रहे हैं, तो दिल बैठ जा। बैठो मेरे पास। से किसी बात पे नाराज तो नहीं? अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कभी नाराज हो सकती हूँ? गलतियां तो मुझसे हुई है इतनी सारी, मेरा आपका बहुत दिल दुखा है। मुझे माफ कर दे। बेटी, आपसे माफी नहीं मांग सकती। और तुम पहुंचो तो मेरी आवाज़ का तारा, तुम में से किसी एक की भी आंख से आंसू गिरते बहुत तकलीफ होती है मुझे। कल से तो तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हुई, नई जिंदगी की शुरुआत रोके तो निकल जाते, मुस्कुरा के करते। मेरी कुछ बातें हमेशा याद रख, लड़की जब रुखसत होकर अपने घर जाती है ना, तो वहां नए लोग, नए माहौल में खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। ससुराल चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो लड़की के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं करते। लड़की को अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। नई जिम्मेदारियां पड़ेंगी तो रुतबा भी बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा
मुश्किलात भी पेश आएंगी। तुम हिम्मत नहीं हारना, हमेशा याद रखना कि तुम नई कयामत की बेटी। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी अप्पू? वक्त सब कुछ सिखा देता है बेटिया, जरा सोचो तो पांचों जब इस घर से चली जाओगी तो तुम्हारी यादों के सहारे जीना मैं भी तो सीखूंगा ना, क्योंकि बाप हो तो बहुत बहादुर, तुम्हारी तरह बस बिटिया बहुत रो चुकी है, अब ना रो। बहुत खूबसूरत, जल्दी ऊपर जाएं, दादी आपको बुलानी, जल्दी 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 ऊपर जाएं जल्दी। अच्छा अच्छा क्या हो गया, जा रही? हाँ मैं आ ही रही थी। अच्छा बस बस, मेरे मामू आपको ऊपर बुला रहे हैं, अब बस हो गई पिक्चर, जल्दी मेरे साथ ऊपर चलें, छोड़ के मैं आपको यहाँ नहीं जाऊंगा। चलिए लगा के कह सकता हूं कि दुल्हन बनके तुम बहुत गजब की लगोगी, मगर खबरदार कि तुमने अपना चेहरा किसी और को दिखाया तो। अपनी दुल्हन का चेहरा सबसे पहले मैं देखूंगा। आयजा, आयजा, आयजा। अबू यहाँ नहीं है वो। चली गई। हाँ चली गई। मुझे नहीं पता अबू। अबू अबू क्या हुआ? आप लो, फिजा आ गई। दादी आपने बुलाया? हाँ शमसा, ये पहचाना तुमने फिजा को? इसी की बात कर रही थी मैं। अरे अम्मा बचपन से देख रही हूँ इसे, कैसे नहीं पहचानूंगी। कैसी हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस शुक्र है अल्लाह का। अम्मा आपने आयशा की शादी पहले कर दी, अच्छी खासी माशाल्लाह है फिजा, आपने इसका कहीं रिश्ता क्यों नहीं किया? बस जब अल्लाह नसीब खोले इसीलिए तो तुमसे बात की है। बस शादी खत्म हो जाए फिर चक्कर लगाती हूँ मैं आपकी तरफ। दादी मैं जाऊँ? जाओ बेटा तुम जाओ।
हेलो हेलो आयजा बात कर रही हो? जी आप कौन? आयजा मैं अली बात कर रहा हूँ। वो साथ अली मुझे बात नहीं करनी। प्लीज प्लीज फोन मत रखना, मेरी बात सुन लो, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो। वो साद ने जहर खा लिया आयजा। आप ये जरा पहनाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ अरे थोड़ा सा तो लगेगा ना, वैसे कैसे पहना दूं मैं? अच्छे लग रहे हैं, किधर से लिए थे तुमने, ये कब लिए? फिजा फिजा जी मामू, अगर आयजा को जाकर देख लो, उनका फोन आया था, बारात निकल चुकी। अच्छा अच्छा, जैसे ही बारात आएगी हमने निकाह करना है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ठीक है मामू, मैं आयजा को अभी लेके आ जाती हूँ। ठीक है मामू, बारात आ रही है, वो फूल डालने ने लाए या नहीं? अरे वो तुम्हारी मेहमानी के पास है, तुम आप जरा देख। बस बहन क्या बताऊं, इतनी मुश्किल से ये हॉल मिला है। भाई साहब चाह रहे थे कि घर के करीब ही कोई हॉल मिल जाए, लेकिन अच्छा हॉल है। ये आपके भाई की तीसरे नंबर वाली बेटी है? हाँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, काफी ठीक है कि नैन नच जबान भी बहुत तीखी है। क्या? मेरा मतलब है बोलती है तो चुप ही नहीं करती, और एक बार बोलना शुरू करे तो सर में दर्द करके ही खामोश होती है। देख ले अभी कैसे पटर पटर बोल रही है। अरे तो आपके घर में खूब रौनक लगी रहती है। रौनक? हंगामा बरपा रहता है हमारे घर में तो। दरअसल मैं आजकल अपने लड़के के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा भी है? मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि शौक चंचल लड़की मुझे मिल जाए, मेरे घर में तो रौनक लग जाएगी। हाँ हाँ, आपको पता है दिल की बहुत अच्छी है मेरी भतीजी, छोटे बड़ों का बड़ा लिहाज करती है, बड़ा एहतराम करती है, और घर का तो हर काम आता है इसको, माहिर है करके कामों में। ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आजकल की लड़के इन चक्करों में कहाँ पड़ती है। नहीं बहन, हमने तो बड़ी अच्छी तरबियत की अपनी भतीजियों की, बड़ी सख्ती में रखा है इनको, वरना कल को जब ब्याह कर जाएंगी और कोई ऊंच नीच हो गई ससुराल में तो सास और पुप्पी को ही लोग कहेंगे कि सही तरबियत नहीं की है ना। वैसे लई खाए की बिरादरी में बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है, और लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं। भाई बेटियों के बाप को ना फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, जब ही तो आज भाई साहब की इतनी इज्जत है, बड़ा देखभाल कर चले हैं वो। तेरी बात माननी नहीं चाहिए थी, कसम से बहुत गिल्टी फील हो रहा है यार। वो बहुत परेशान हो गई थी। परेशान होगी तो आएगी। This is not fair, bro. Everything is fair in love and war. आयजा की कॉल मत उठाना। क्यों? ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, जो मैं कह रहा हूं वही करो, मत उठाना। ओके
अबू वो अपना फोन दीजिएगा। क्यों खैरियत? जी बस एक कॉल करनी है, फोन दीजिएगा। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों? वो मेरे साथ हैं। खैरियत क्या हुआ? यहाँ नहीं, आए मेरे साथ। वो कहाँ है बेटा? लेके मैं बुलाता हूँ। हाँ बहुत देर हो रही है, हमें देर हो रही है। अरे हुआ क्या है, परेशान हो रहा हूं मैं, क्या हुआ? आयजा कहाँ है? मैं पूछ रहा हूं आयजा कहाँ है? पता नहीं अब्बू कहीं चली गई है वो। नहीं कहाँ चली गई, क्या कह रही हो तुम? मुझे नहीं पता, मैंने उसको बहुत कॉल्स किए हैं, उसका फोन भी ऑफ जा रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। आयजा, 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 अबू यहाँ नहीं है वो। चली गई, हाँ चली गई। मुझे नहीं पता अबू। अबू अबू क्या हुआ? अबू अबू क्या हो रहा है आपको? हाँ बात आयशा, अबू आप फिक्र नहीं करें, वो आ जाएगी वो। मैं फिर से कॉल करती हूँ उसे। अबू वो आ जाएगी। हाँ परेशान नहीं हूँ। हाँ आप नहीं परेशान। फारूक, हाँ मैं फारूक, मैं मामू को बुलाती हूँ, मैं मामू को बुलाती हूँ। आयशा, मामू। भाई साहब कहाँ हैं? अक्रम साहब निकाह के लिए बुला। चले, अबू की तबीयत खराब हो गई है। कहाँ है वो? ब्राइडल रूम में। क्या, चले क्या हुआ? चले आए, मैं बताती हूँ। तुमने धोखे से मुझे यहां बुलाया। ऐसा अगर तुम आज भी नहीं आती ना तो मैं सच में जहर खा लेता। सब कुछ छोड़कर आ गई मेरे लिए, सब कुछ। तुमने मेरी मौत का सुना और तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ गई क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मुझसे सच्ची मोहब्बत जिसमें किसी का कोई अख्तियार नहीं, तुम्हारा भी नहीं। मुझसे मोहब्बत की बात मत करो, तुम मुझसे अगर सच में मोहब्बत करते तुम कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ बोलते तो और क्या करता मैं? तुम्हें किसी और जगह जाने देता नहीं आजम, नहीं। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी ही जिंदगी में किसी और का जाने दूं। तुम ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? आप समझना नहीं चाहते मेरी मन जाने, मुझे घर जाना है। नहीं 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 ऐसा नहीं। मेरी बात सुनो, ऐसा मेरी बात सुनो, ऐसा मेरी बात सुनो, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। देखो तो बहुत मुश्किल से तुम फिर से मेरी जिंदगी में आए हो, तुम्हें फिर से नहीं खो सकता, मैं तुम्हें फिर से नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। मुझे घर जाना है। अभी शादी कर सकते हैं,
फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ना आज ना कभी, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती? ये तुम क्या कह रही हो आयशा? आयशा क्या मेरे फीलिंग्स बहुत सारी थी, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? हाँ जो मोहब्बत माँ बाप की इज्जत कुर्बान करके हासिल की जाए किसी को खुश नहीं रहने देते साथ, तुम समझते क्यों नहीं हो? अपने अब्बू का दिल दुखा के कभी खुश नहीं रहूंगी, वो भले हमें कभी बतवा ना दे लेकिन उनकी आ हमारी कभी चाल नहीं छोड़ेगी साथ, तुम समझो इस बात को। मुझे घर जाने दो साथ प्लीज, मुझे जाने दे यार। ताकि हमें शक न हो सके, चली गई मेरी जिंदगी भर की कमाई में, मेरी इज्जत मिला के चली गई हो। अरे सब उनको संभाले, मैं खुशियां मनाता था इन्हें सीने से लगा के, कहता था कि मेरा नाम रोशन करेंगे, देखो नाम रोशन किया मेरा, बदनामी के कुएं में देखेंगे चली गई वो। क्यों बोले भाषा बेटा, वो उस लड़के का कोई नाम पता, कोई फोन नंबर? वो मुझे कुछ नहीं पता, बाहर सब निकाह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या जवाब देना? अम्मा कहती थी कि नहीं, ये बेटियां तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ा, जा कह दो वापस जाए, बारात ले जाए वापस, कोई निकाह नहीं होगा क्योंकि तुमने भाग गई है, तुमने भाग गई है।
सर प्लीज कुसामान ऐसे नहीं करें, ऐसा नहीं करें। जाओ जाओ पालू, जाओ उनसे। चंदा मेरा एक है चकोरी, है सपनों की जो है परी तेरी सहेली। मीठे दो नैन तेरे, दो नैनों में तारे